नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते नजर आए। नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हर वोट महत्वपूर्ण है, हमें लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताना चाहिए, हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की भी जरूरत है, किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हमें आजादी का अमृत महोत्सव में सभी को जोड़ना चाहिए। इसके पीएम मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पुनरुद्धार, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, विकास सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई केंद्रीय योजनाओं का भी जिक्र किया, जिससे काशी के लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से आज पहले और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है। सोमवार को तीसरे और चौथे चरण की सीटों को लेकर दिल्ली में एक दौर की बैठक हुई। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसमें नाम तय होंगे जिन पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरणों में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा अवध क्षेत्र की सीटें भी शामिल हैं। पहली सूची की तर्ज पर ही तकरीबन 20% के आसपास ही टिकट बदले जा सकते हैं। आपको बता दें, बीजेपी की अगली सूची कल जारी हो सकती है। पार्टी ने 75 साल पार वालों को टिकट न देने का फैसला किया है। पहले और दूसरे चरण की सीटों में राज्य मंत्री चौधरी उदय बान सिंह, वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल सहित कई उम्रदराज लोगों को टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें, अभी पहले चरण की अलीगढ़ सीट और दूसरे चरण की 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। तो आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा एक अभियान चलाने जा रही है, जो कि घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट तक फ्री में बिजली चाहते हैं, वो अपना नाम रजिस्टर करवा लें। उन्होंने कहा, सपा का यह अभियान बुधवार यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो नाम बिजली के बिल पर लिखकर आता है, वही नाम लिस्ट में लिखवाएं। समाजवादी पार्टी घर घर जाकर लोगों को इसके लिए प्रेरित करेगी और उनका नाम भी लिखेगी। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है, वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है, वही नाम लिखवाएं। और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो फिर आतंकवादी को अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं, बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई।
और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह मथुरा पहुंचे, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन किए। वृंदावन पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया है। बांके बिहारी पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए और कांग्रेस की जीत की कामना करी है। दर्शन करने के दौरान सीएम ने भगवान के समक्ष जीत की कामना के लिए दीपक भी प्रज्वलित किया है। दर्शन के बाद मंदिर के सेवायत गोपी गोस्वामी और शैलेन्द्र स्वामी ने उनको भगवान का प्रसाद और अंगवस्त्र भी भेंट किया। दर्शन करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि वो यहाँ आते रहते हैं, उनकी नानी सावन में एक महीने रहती थी। उन्होंने कहा कि वो इस चुनावी महाभारत में भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने आए हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं है। लाल के दर्शन करने आया हूँ। वैसे अनेक बार यहाँ आ चुका हूँ, अक्सर मेरी नानी यहाँ सावन में एक महीना रहती थी, उसे छोड़ने भी आता था और लेने भी आता था। तो वर्षों से लगातार बांके बिहारी के दर्शन करने का अवसर मिला, वृंदावन पावन धरती को प्रणाम करने का अवसर मिलता रहा। आज फिर से उनके चरणों में सिर झुकाने आया, आशीर्वाद लेने आया हूँ कि भगवान कृष्ण से बड़े राजनीतिक की कोई नहीं, और उस महाभारत में निमंत्रण देने आया हूँ कि सत्य की जीत हो। अब सत्य की है, सत्य अकेले ही चले तो ईश्वर उनका साथ देता है। और आज आम जनता की जो लड़ाई है, किसान है, मजदूर है, दलित है, महिला है, नौजवान है, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस और से मिलेगा। तो भूपेश बघेल को सुन रहे थे। आप साफ तौर पर कहते नजर आए कि कृष्ण को निमंत्रण देने आए हैं, क्योंकि कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र रीता बहुगुणा का करेंगे। जी हां, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट से टिकट चाहती हैं और उसके लिए इस्तीफा देने तक को तैयार है। रीता बहुगुणा ने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर अपनी बात कही है। रीता बहुगुणा का यह भी कहना है कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो वो अपने पद से इस्तीफा तक दे सकती हैं। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार पेश आ रहे हैं। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। रीता का कहना है कि उनका बेटा पिछले काफी लंबे समय से राजनीति में एक्टिव है और लोगों के लिए काम कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। ऐसे में उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट मिलना ही चाहिए। रीता बहुगुणा के अलावा बीजेपी में अपने बेटों के लिए टिकट मांगने की लिस्ट में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल है। इन सभी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपने बेटों के लिए टिकट की फरमाइश की है। कैंट तो मेरा घर था, चार चुनाव हमारा परिवार वहां से जीता है, और कैंट में जो इस समय वर्तमान में विधायक जी हैं उनको तो मैंने 24,000 वोट से हरा भी चुकी हूँ मैं तो। क्या, और मयंक देखिए मेरी बात छोड़िए, 12 साल से 2009 से मयंक लगातार वहां काम कर रहे हैं, और वो टिकट मांगने का उनका हक बनता भाई, हर सीट पे 10 लोग 15 लोग टिकट मांग रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये टिकट नहीं मांगेंगे तो और कोई नहीं है। सामान्य रूप से बिना किसी चुनावी समीकरण के आज से हफ्ते 10 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं 2008 से नहीं, मैं कई सालों से कह रही हूँ कि मैं 2024 का चुनाव लड़ना नहीं, मुझे चुनावी राजनीति से मैं को छोड़ रही हूँ। लेकिन जब ये हुआ कि एक परिवार से एक ही को मिलेगा तो अभी मेरा टेन्योर बाकी है, तो उससे उनका हानि ना हो, ये निर्णय ना हो, और किसी निर्णय से उन्हें ना दे टिकट अलग है, पर मेरे वजह से ना हो, तो मैंने कहा कि मैं वर्तमान में भी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसा मैंने पार्टी के निर्णय का के सम्मान में, क्योंकि पार्टी क्या करे, सभी टिकट मांग रहे। चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनावी ताल ठोक रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने इसका ऐलान भी किया। इस दौरान कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि शाम तक वो चौंकाने वाली खबर सुना सकते हैं। चंद्रशेखर ने भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की है, साथ ही ये भी कहा कि अगर पार्टी ने तय किया तो वो गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा उनसे पहले 25 सीट का वादा हुआ था जो पूरा
पूरा नहीं हुआ। चंद्रशेखर बोले कि उन्हें विधायक और मंत्री पद का ऑफर मिला था जिसे उन्होंने नकार दिया। भीम आर्मी के मुखिया ये भी बोले हैं कि अगर सपा उनको 100 सीट भी देगी तो वो अब उनके साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ऐलान के साथ राजनीतिक पार्टियां भी जोड़ तोड़ का गणित बिठा रही हैं। इस बीच बीजेपी और जनता दल ने अपनी राहें अलग अलग कर ली हैं। विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड अब अकेले मैदान में उतरेगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रभारी केसी त्यागी ने बताया कि भाजपा के साथ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि जदयू अब यूपी चुनावों में अकेले ताल ठोकने जा रही है। केसी त्यागी ने बताया कि वो दिल्ली में बैठक करेंगे जिसमें फैसला लिया जाएगा कि वो विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी पहले इस बात का जिक्र कर चुके थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जेडीयू 100 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। आरसीपी सिंह जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी से और नड्डा जी से कई बार बातचीत की, लेकिन किसी भी स्टेज पर उन्होंने गठबंधन से इनकार नहीं किया। अब से 3 दिन पहले जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की सूची जारी की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि निषाद पार्टी और अपना दल हमारे सहयोगी हैं। संकेत स्पष्ट है कि जनता दल यूथ का हिस्सा नहीं। तो इस घटनाक्रमों से नाराज न होकर के बल्कि निराश होकर के हम लोगों ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। हर कोई अपनी मौजूदगी अलग अलग ढंग से दर्ज करा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में सोमवार को शाम होते ही मार्केट में निकले मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जलेबी की दुकान पर जलेबी बनाकर जनता से वोट मांगा है। दुकान पर मौजूद जनता ने भी जमकर नंद गोपाल नंदी की विजयी होने की नारेबाजी करी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने जलेबी छानकर लोगों का मुंह मीठा कराया। वहीं जलेबी छानने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। तो ये सियासत है, क्या खूब रंग दिखाती है, कभी घास कटवाती है तो कभी जलेबी छनवाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका जा चुका है। इस बीच सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पीडीपी की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में इस पार्टी से छुटकारा पाना 1947 से बड़ी आजादी होगी क्योंकि बीजेपी देश को बांटना चाहती है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने रूपनगर में जनजातीय वर्ग के लोगों के घरों को बिना नोटिस दिए तोड़े जाने की घटना पर बीजेपी को निशाने पर लिया। इस दौरान कहा कि गरीबों की दुश्मन बीजेपी सरकार का कोई मानवीय चेहरा ही नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का, और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सर्दी ने और से थमधाना शुरू कर दिया। प्रदेश में पश्चिमी हिस्से को लेकर के अगर बात करें तो पश्चिम से पूरब तक तापमान में भारी गिरावट, सर्द हवाओं के चलते गलन चरम पर है। मौसम वैज्ञानिक कहीं ना कहीं 1-2 दिनों में बारिश का अनुमान भी लगा रहे हैं। सुल्तानपुर में तो न्यूनतम पारा लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वहीं अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। उधर सीतापुर जिले में ठंड का कहर बदस्तूर जारी है। सरा, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, रायबरेली और अमेठी में अधिकतम तापमान 15 से 18 के बीच तैर रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जा रहा है।
तो वही उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना के नए मरीजों की रफ्तार में थोड़ा सा ठहराव आया। बड़ी संख्या में लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 2,16,152 कोविड सैंपल्स की जांच की गई है, जिनमें संक्रमण के 15,622 नए मामले मिले, जबकि 12,402 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं 9 मौतें भी दर्ज की गई। बीते करीबन एक महीने से लगातार बड़े हुए कोरोना मरीजों की रफ्तार मंगलवार को कुछ हद तक कम होती नजर आई। आपको बता दें, प्रदेश में सर्वाधिक 2,716 केसेस लखनऊ में मिले हैं, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 2,154, गाजियाबाद में 1,281 केसेस मिले हैं। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, रुख देवभूमि का करेंगे, बात देवभूमि की होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से खुले मैदान में जनसभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के बाद अब भाजपा वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़ने का काम करने वाली है। इस दौरान आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। इसके लिए राजनीतिक दल मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में जुट गए हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार हो रहे प्रसार को देखते हुए आयोग ने भीड़ एकत्रित कर जनसभा पर रोक लगा दी है। इसके लिए राजनीतिक दलों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। भाजपा की पहली वर्चुअल जनसभा में सीएम धामी सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, संगठन मंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा, किसान, शिक्षा, हर मोर्चे पर हम काम कर रहे हैं। जो सरकारों में रही है, अपने समय में कोई काम उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज आपके सामने आकर वो तमाम प्रकार की बातें नहीं करते कि ये योजना हमारे समय में शुरू हुई थी। अरे भाई, ये योजना आपके समय में शुरू हुई थी, लेकिन आपके समय में कभी कोई योजना पूरी नहीं हुई। आपके समय में केवल योजनाएं शुरू होती थी, कभी कभी उनका लोकार्पण नहीं होता था। आपके समय में योजनाओं का केवल शिलान्यास होता था, लोकार्पण कभी उनका नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। और अगर आप कोई योजनाएं शुरू होंगी तो वो योजनाएं पूरी होंगी। किन्हीं योजनाओं का शिलान्यास होगा? तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ब्रेक लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमा हर संभव कोशिश कर रहा है। विभाग ने सीएचसी और पीएचसी और बॉर्डरों के अलावा अब मोबाइल कोरोना टेस्टिंग टीम भी बना दी है। मोबाइल टेस्टिंग टीमों के लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में हाईवे पर गांव-गांव जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। विभाग के अधिकारियों की तरफ से लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करने की नसीहत दी जा रही है। बार बार यही हम लोगों को निर्देश रहा है कि कोई भी आदमी नहीं छूटेगा, 100% हम लोगों को सेकंड डोज अचीव करनी है। इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस कोविड से एक लड़ने का यही एकमात्र उपाय है कि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप करनी है। उसका एकमात्र ये रास्ता कि जिसने फर्स्ट डोज ली सेकंड उसको लगवा रहे हैं। अभी हमारे पास मैक्सिमम 7,000 या 8,000 बचे हैं। इन लोगों जो भी रह रहे हैं, हम लोगों ने राशन को बंद करा दिया और इन लोगों को समझा रहे कि अन्य सुविधा भी शायद आपको भविष्य में ना दी जाएंगी। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन 10 से 15 केसेस कोरोना के मिल रहे हैं, जिससे लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। तो वहीं कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी भी नजर आ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोग सजग नहीं है। तो यही कारण है कि जिले में वर्तमान में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने भी जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिसके लिए सभी को सतर्कता और सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। मैं मनोज गोयल, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, समस्त जनपदवासियों से अपील करता हूं कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके लिए सभी को सतर्कता एवं सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए अपनी एवं अपनों की सुरक्षा के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन तथा मास्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोका जा सकता है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने डॉक्टर्स फॉर यू नाम के एक एनजीओ से एमओयू किया है। जिलाधिकारी नैनीताल ने उनके मुताबिक जिले के 99% कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इन मरीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन करने के लिए डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ की 14 टीमें हल्द्वानी शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कोविड मरीजों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगी। जितने भी कोविड मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनको ये टीम मेडिकल किट भी उपलब्ध कराएगी। इस पूरी प्रक्रिया का वॉर रूम हल्द्वानी के डीएम कैंप कार्यालय में बनाया जाएगा। एनजीओ है डॉक्टर्स फॉर यू करके, इनके साथ एमओयू किया है तो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ने। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जनपद में खासकर कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 99% हमारे जितने पेशेंट हैं होम आइसोलेशन में हैं। तो जितने भी पेशेंट हमारे या कोविड के पेशेंट अब होम आइसोलेशन में हैं, उनकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उनको सुपरविजन सही ढंग से कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एक एमओयू किया है। तो इनकी 14 टीमें जो हैं हल्द्वानी के 20 किलोमीटर के रेडियस में, जिसमें आपका पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने हरक सिंह रावत पर खुलकर आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया। साथ ही कहा, जो व्यक्ति कल तक सरकार का हिस्सा था, आज वो आपके किए भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। भाजपा से बर्खास्त और कांग्रेस में एंट्री की तलाश कर रहे हरक सिंह रावत को अभी एंट्री नहीं मिल पाई है। उनका विरोध कांग्रेस संगठन में पहले ही होने लगा है। केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रावत जी, क्यों विरोध हो रहा है हरक सिंह रावत का कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को वो दिन याद आ गया 16 का, कि जब एक गिरोहबंद तरीके से कांग्रेस के विधायकों को डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराया, और उस दल बदल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी एक लोकतंत्र की हत्या का एक वाकया करार किया और इनको लोकतंत्र का हत्यारा बताया। तो ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस को गर्त में धकेलने के लिए कोई भी कोशिश कम नहीं की हो, और 5 साल तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए सदन के भीतर मैं विधायक के रूप में मैंने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की हंसी उड़ाई, कांग्रेस को हमेशा खत्म करने की कोशिश करी, और कांग्रेस ही नहीं उत्तराखंड के लोकतंत्र को, उत्तराखंड की बेहतरी को, उत्तराखंड के अच्छे माहौल को खत्म करने की कोशिश करी। तो ऐसे लोगों के प्रति कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति मैं कर रहा हूँ, ये मुझे खुशी है। क्या लगता है विधायक जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में भी जो चाहते हैं कि हरक सिंह रावत आए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, लगता है कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है और उनके आने से और मजबूत होगी? देखिए, अभी तक के कांग्रेस में किसी ने भी ये इच्छा व्यक्त नहीं करी कि हरक सिंह खुल करके आए, और हरक सिंह बड़े खुले ढंग से कहते हैं कि साहब मैं 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं या लड़ा सकता हूं। तो उनको बेहतर यह है कि उनको अपना दल बना करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई स्कोप उनके लिए छोड़ा नहीं, और वो केदारनाथ जब आना चाह रहे थे तो हम तो खुल करके कह रहे थे कि वो केदारनाथ में आए और हमारा मुकाबला करें। तो वो उनके लिए अच्छा यह है कि वो कांग्रेस को, जिस कांग्रेस को उन्होंने गर्त में धकेलने के लिए और हमारे शीर्ष नेताओं को के लिए उन्होंने जो अपशब्द कहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में हमारे पूज्य नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जिस दल बदल कानून का को इसीलिए पार्लियामेंट में लाए और उसको कानून का रूप दिया कि ये आया राम गया राम की संस्कृति इस देश से जाए, उस विचारधारा के लिए हम तो कहते हैं कि हम उस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। तो वो उस विचारधारा के पास उनको आना भी नहीं चाहिए। अब वो ये तो संभव नहीं है कि हर बार हर 5 साल बाद वो रोध होकर के फिर नए दल में जाएं और नई सीट पर जाएं और नई जगहों से चुनाव लड़ें। उनका कमिटमेंट किसी के प्रति तो होना चाहिए, चाहे अपने सीट के प्रति, चाहे अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और चाहे अपने दल के प्रति, चाहे अपनी राजनीतिक निष्ठा के प्रति। कहीं ना कहीं तो बताएं कि उनकी निष्ठा किसी के प्रति है, ठीक है, रहेगी और आगे भी बरकरार रहेगी। कांग्रेस के केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा से बर्खास्त कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस में आने की सोच जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका लगातार विरोध होता रहेगा। पिछले 5 साल उन्होंने जिस तरह के कुकृत्य उत्तराखंड को लेकर किए हैं, साफ तौर पर कांग्रेस में उनकी क्षमा ही नहीं है।
कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून।